नमस्कार साथियों, मैं रेखा दुग्गल, ओपन चैलेंज 24 न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। निगम के चुनाव की तैयारी बड़े जोरों शोरों से चल रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि निगम में बैठी बीजेपी सरकार अभी जो है वो अपना काम कर रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने निगम की तैयारी बड़े जोरों शोरों से शुरू कर रखी है। आम आदमी पार्टी की तरफ से बवाना विधानसभा में रामचंद्र जी को जो है वो प्रत्याशी घोषित किया गया है। जब से वो प्रत्याशी घोषित हुए हैं, तमाम विधानसभा के जो कार्यकर्ता हैं उन्हें समर्थन में उतर आए हैं। रिठाला विधानसभा से भी सभी कार्यकर्ता उनके समर्थन के लिए प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। देखते हैं निगम सरकार किस तरह से, कौन सी सरकार का जो है वो पलड़ा भारी रहेगा, बीजेपी या आम आदमी पार्टी। हमने एक खास मुलाकात की रामचंद्र जी के साथ, कुछ बातें की, कुछ सवालात किए उनसे, जिनके उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिए। साथ ही हमने आप पार्टी से विधायक श्री जय भगवान उपकार जी से भी खास मुलाकात की। उनसे भी हमने जानने की कोशिश की कि क्या लगता है अब की बार निगम में कौन सी सरकार। उन्होंने भी बड़ी समझदारी से और सूझबूझ से यह जवाब दिया कि अब की बार आपकी सरकार। देखते हैं लोगों का फैसला, निगम में अब की बार किसकी सरकार। सर, आज बवाना विधानसभा में आपका जिस तरह से प्रचार और काम चल रहा है, उस तरह से देखा जाए तो आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो अभी एमसीपी के जो इलेक्शन अभी यहाँ से जो रामचंद्र जी हैं वो लड़ रहे हैं, तो आपको सर क्या लगता है आपकी बार एमसीडी में किसकी सरकार। आप सभी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी की जितने की निगम पार्षद जो 2017 में चुनाव जीते, सभी भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार लगातार भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। तो निगम के अंदर जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, चाहे वो हमारे नर्सिस हैं, चाहे वो हमारे अध्यापक हैं, चाहे वो हमारे चतुर्थ श्रेणी के अन्य कर्मचारी हैं, सभी लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं। सभी को तनख्वाही नहीं मिल रही है। जो लोग रिटायरमेंट हो जाते हैं, रिटायरमेंट का उनको पैसा नहीं मिलता, पेंशन नहीं मिलती उनको। ठेकेदारों का 450 करोड़ रुपया बकाया है एमसीडी की तरफ, जिसकी वजह से कोई काम नहीं हो रहा है। तो भ्रष्टाचार का आलम बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से जो आम जनता है अब आम आदमी पार्टी की तरफ आकर्षित है और वो आम आदमी पार्टी को जिताना चाहती है। जिस तरीके से बीजेपी लगातार ये कहती है कि बीजेपी अपना जो सफाई कर्मचारियों का पैसा है या जो गरीबों का पैसा है वो दिल्ली सरकार को सौंप देती है, लेकिन दिल्ली सरकार जो है वो लगातार भ्रष्टाचार फैला रही है, वो आगे लोगों तक पैसा नहीं पहुँचने देती है, तो सर कहाँ किस बात में सच्चाई है? आप पार्टी सच बोल रही है, बीजेपी सच बोल रही है? देखिए, जैसा कि आपने कहा कि सफाई कर्मचारियों का पैसा दिल्ली सरकार नहीं दे रही है, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो दिल्ली सुप्रीम कोर्ट है उसके अंदर एक याचिका दायर की गई, जिसमें हलफनामा दिया भारतीय जनता पार्टी ने कि जो एमसीडी है जो सत्ता में काबिज नॉर्थ दिल्ली के अंदर जो एमसीडी है, उन्होंने एक हलफनामा दिया कि हमें दिल्ली सरकार से कोई पैसा नहीं चाहिए। दिल्ली सरकार का जो हिस्से का जो पैसा था वो दिल्ली सरकार ने दे दिया। तो ये तो सत्य, सारी चीज़ें सामने आ गया। और अभी आपके सामने दिल्ली सरकार ने आम सफाई कर्मचारी और शिक्षक जो हमारे हैं या हमारे अन्य कर्मचारी हैं उनकी परेशानी को देखते हुए 938 करोड़ रुपया एमसीडी को भी दिया है, आप सभी जानते हो। तो सर क्या लगता है आपकी बार एमसीडी में किसकी सरकार? देखिए, आप सभी को पता है कि दिल्ली सरकार जिस तरीके से दिल्ली के अंदर कार्य कर रही है, चाहे वो स्कूल का काम है, चाहे वो हमारा अस्पताल का काम है, चाहे वो हमारे गली का काम है, चाहे वो सीवर का काम है, चाहे वो पानी का काम है, चाहे वो बिजली का काम है, कोई भी कार्य है, उस सभी में दिल्ली सरकार ने अपनी अपने जो कार्य को करके दिखाया। तो सभी लोग चाहते हैं कि अब की बार अगर निगम में आम आदमी पार्टी आती है तो जो भी काम अधूरा रह गया, जो पिछले 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी ने बार बार लोगों को झूठ बोल करके, आश्वासन दे दे करके और वोट लिया, सरकार बनाई अपनी और कोई कार्य नहीं किया, तो अब लोगों को उम्मीद है सिर्फ आम आदमी पार्टी से और वो आम आदमी पार्टी को जिताना चाहते हैं। सर, ओपन चैलेंज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि निगम की अब की बार आप तैयारी कर रहे हैं, जो इलेक्शन चल रहे हैं, बड़े जोरों शोरों से आपने बवाना विधानसभा में प्रचार शुरू कर रखा है, तो सर क्या लगता है अब की बार सरकार निगम में किसकी? देखिए, निगम की हम 5 सीटें हैं इस बार जीत कर जा रहे हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। जी, आप पूरे देश के अंदर जो आज ये मशीनों से चुनाव जो हो रहे हैं, इसके अंदर भ्रष्टाचार तो है, ये तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं इसमें भ्रष्टाचार पक्का है। और बीजेपी ने जितने भी चुनाव जीते हैं
वो केवल इसी आधार पर जीते हैं कि उन्होंने ईवीएम के अंदर गड़बड़ी की है, बाकी यहाँ पर ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जनता आम आदमी पार्टी के साथ है, अरविंद केजरीवाल जी के साथ है और बढ़ चढ़ कर आम आदमी पार्टी को वोट मिल रहे हैं और बिल्कुल 500 सीट हम दिल्ली के अंदर लेकर जा रहे हैं, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। पिछले 6 सालों से आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली के सभी तबकों को सुविधाएं दी हैं, चाहे वो पानी की है, चाहे वो बिजली की है, चाहे वो लाइट की है, चाहे रोड की है, चाहे गलियों की है, चाहे सीवर लाइन की है, हर तरह की समस्या का समाधान करने की कोशिश आम आदमी पार्टी की सरकार ने की है। तो जैसे ही हम लोग निगम में आएंगे तो सुबह से लेकर शाम तक जो जनता यूज़ करती है, आप सभी को पता है कि वो सभी चीज़ें एमसीडी के पास है और आम आदमी जो आम जनता है वो चाहती है कि निगम के अंदर आम आदमी पार्टी आए, जिससे कि जो जन जन की जो ज़रूरत है, जैसे कि आप सुबह जब घर से निकलेंगे तो रोड पे आएंगे तो आप एमसीडी का है वो, आप पार्क में जाएंगे तो एमसीडी का है, टॉयलेट में जाएंगे तो एमसीडी का है, अब बच्चे स्कूल में पढ़ने जाएंगे तो वो एमसीडी का है, डिस्पेंसरी में दवाई लेने जाएंगे तो एमसीडी का है, मरने जीने का सर्टिफिकेट लेंगे तो वो भी एमसीडी का है। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो एमसीडी के पास हैं, मैन पावर सारी एमसीडी के पास है। तो जैसे ही हम लोग निगम के अंदर आएंगे तो जो आम आदमी को जो उसकी ज़रूरत है, जिसे सरकार ने बहुत चेंज करने की कोशिश की, हर चीज़ें जैसे कि सभी चीज़ें ऑनलाइन भी कर दी हैं आपको पता है, तो हम हर उस चीज़ पर काम करने की कोशिश करेंगे जो जनता की ज़रूरत है। तो आम आदमी पार्टी जैसे ही निगम में आएगी, हम मजबूती के साथ उन लोगों के लिए काम करने के लिए आए हैं, क्योंकि आम जनता के लिए काम करने आए हैं, हम यहाँ कोई राजनीति करने नहीं आए, कुछ चेंज करने आए, अच्छा करने आए हैं। कह रहे थे कि अब की बार ईवीएम का घोटाला चलने वाला नहीं है क्योंकि कार्यकर्ता बड़े जोरों शोरों से काम कर रहे हैं, अगर सर फिर भी किसी भी तरह अगर ये ईवीएम मशीनें आ जाती है और कुछ गलत होता है तो सर आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में ईवीएम के अंदर छेड़ाखानी होती है? देखिए, ईवीएम में छेड़ाखानी होती है इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, ये पूरा देश जानता है इस बात को, केवल भाजपा के अलावा जितनी भी राजनीतिक पार्टियाँ हैं सभी इस बात को मानती है कि ईवीएम के अंदर गड़बड़ी है। दूसरी बात, जहाँ तक आपने कही कि अगर गड़बड़ होती है, मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ इस भवाना क्षेत्र के अंदर विधायक जी यहाँ पर खड़े हैं, विधायक जी और काउंसलर दोनों अगर मिल जाते हैं तो क्षेत्र का चहुमुखी विकास जो है वो कोई भी रोक नहीं सकता, और चुनाव तो हम जीतने जा रहे हैं क्योंकि 100% पब्लिक आम आदमी पार्टी के साथ है।